Hey guys, welcome to channel UP Triple SC का डा। I hope you are doing well and your preparation is also going well। तो जैसा कि आप सभी को पता है, UP Triple SC ने एक VPO की वैकेंसी निकाली थी, यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी की, जिसमें 1468 पद थे और जिसके फॉर्म जो है वो 23 मई से 12 जून तक भरे गए थे। ठीक है, उम्मीद की जा रही है कि ये एग्जाम जो है आपका नवंबर या फिर नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में ये हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस जो है वो निकाल दिया गया है आयोग की तरफ से, और सिलेबस बिल्कुल एकदम डिफरेंट है जैसा हमने लास्ट टाइम जो अभी 2018 का रिसेंट में एग्जाम हुआ है री एग्जाम, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो उसमें 150 क्वेश्चन के ब्रेकअप को उन्होंने इस तरीके से किया था कि 50 क्वेश्चन जो थे वो हिंदी से थे, 50 जीएस से और 50 जो थे वो रीजनिंग से थे। टोटल 150 क्वेश्चन थे जो कि 2 मार्क्स का, यानी कि 2 अंक का एक क्वेश्चन था, 300 मार्क्स का ये पेपर था, जिसमें से जो माइनस मार्किंग थी वो 1/2 की थी। ठीक है, तो इस बार बिल्कुल सब कुछ चेंज हो चुका है, वो देखते हैं चेंज कैसे हुआ है और जो चेंज हुआ है उसको किस कहां से पढ़ना है, क्योंकि एकदम नया है सब कुछ। अगर यहाँ माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/4 अर्थात 25% अंक जो होगी, पिछली बार क्या थी 1/2 थी और 50% जो थे अंक आपके डिटेक्ट हो रहे थे, इस बार क्या होगा, एक नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क्स जो है वो आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर का पेपर टोटल होगा पूरा। ठीक, अब ये जो है ये हमारा सिलेबस है दे रखा है। तो सबसे पहले बात करें पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। ठीक है, 10 प्रश्न आएंगे और 10 अंक के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन एक अंक का होगा। सेकेंड नंबर पर है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, ये भी 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 अंक के होंगे, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन। और ये जो है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के परिपेक्ष में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना। ठीक है, जो भी स्रोत होते हैं पंचायतों के या जो कार्य योजना है उनके बारे में 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। अगला है ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। ठीक है, जो भी ग्रामीण विकास योजनाएं हैं और कार्यक्रम है वो किस पे पूछे जाएंगे, वो बेस्ड होंगे यूपी पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष में, ना कि एमपी उत्तराखंड या फिर किसी और राज्य के, केवल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ग्राम विकास योजनाएं और उनके कार्यक्रम जो है वो पूछे जाएंगे, तो हमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही पढ़ना है। ठीक, ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्र में विकास में भूमिका। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं और 10 मार्क्स के होंगे, तो टोटल ये जो है अगर हम बात करें ये कितने हो गए, 10, 20, 30, 35, 45, 65, 65 मार्क्स का जो है आपका ग्राम पंचायत आने वाला है। ठीक है, और एकदम नया है तो आप सभी लोग भी वरीड हैं कि मतलब ये चीज़ पढ़ी कहाँ से जाए, और अभी रिसेंट में ही सिलेबस आया है तो अभी कोई मार्केट में बुक भी लॉन्च नहीं हुई है। ठीक है, तो पॉलिटी से मैंने कुछ जो है टॉपिक उठाए हैं। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है उसको अभी मैंने टच नहीं किया है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो मैंने एक PDF में बना के आपको दी हैं चैनल पर। ठीक है, अगर आपको वो नहीं मिली तो आप सर्च करना या फाइल सेक्शन में जाकर टेलीग्राम पर, वहां से उसको एक्सेस कर लेना। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी मैंने रात में 4 PDF डाली हैं, आप उसको देखिए। ठीक, धीरे धीरे जो भी ग्राम पंचायत से जो भी रिलेटेड होगा डेटा या नोट्स वो आपको चैनल पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई भी आपको पैसे नहीं देने हैं, कोई भी पुड़िया नहीं खरीदनी है। ठीक है, तो 65 मार्क्स यहाँ से हैं, और 65 मार्क्स अगर मैं किताब की बात करूँ, अगर आपको नहीं आपको लगता है कि मुझे यार नहीं पढ़ना ये PDF से, तो आप किताब, तो मैंने ये 2 किताबों से लिया था क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा हर बुक में नहीं मिलेगा। एक तो लक्ष्मीकांत थी जो गीता मानी जाती है संविधान की, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको, जो मैंने PDF में दिया है ये लक्ष्मीकांत ही दिया है। दूसरी है परीक्षावाणी, परीक्षावाणी। ठीक है, इन 2 बुक का जो भी डेटा था ग्राम विकास से रिलेटेड, क्योंकि पॉलिटी में होगा ये, ठीक है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड, तो वो मैंने आपको दिया है। आप अगर PDF से नहीं पढ़ना चाहते तो बुक से पढ़ लीजिए या फिर उस PDF को प्रिंट करा लीजिए। ठीक है, तो ये 2 बुक हैं अभी फिलहाल यहाँ से पढ़ना है। और फिर एक वेबसाइट है पंचायती राज विभाग की, पंचायती राज विभाग की, वहाँ से आप
जो है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो डेटा है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, अगर आपको वो पीडीएफ नहीं पढ़नी है। ठीक, तो यहाँ से हम अभी अभी फिलहाल यहाँ से कवर कर सकते हैं, या फिर एक घटना चक्र की किताब आती है ग्राम विकास की, लेकिन वो पुरानी है अभी, ठीक है, और इस सिलेबस के अभी अकॉर्डिंग भी नहीं है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा भी है, वो किसी और एग्जामों के लिए भी आई थी। तो अभी इसी एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में जब किताब आएगी तो वो टू द पॉइंट होगी, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको भाई साहब अलग ही अलग किताबों से अलग अलग कोई कोई टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही किताब में सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, अग्रवाल की भी आती है, ठीक है, ग्राम विकास ग्राम पंचायत से रिलेटेड, तो ये आप किताब खरीद सकते हैं। चक्षु की आती है, वो भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो वहां से भी आपको चार पांच टॉपिक मिल ही जाएंगे ग्राम पंचायत से रिलेटेड, टोटल 6 टॉपिक हैं, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी, बने रहे, क्वेश्चन तो टेलीग्राम पर डेली पोस्ट हो रहे हैं, और 2 दिन से ग्राम पंचायत से रिलेटेड भी क्वेश्चन पोस्ट होना शुरू हो गए हैं, जो अनुभव सिंह चौहान सर हैं उन्होंने क्वेश्चन डालना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो चैनल को आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, UP SSC का अड्डा, वहां से आप उसको ज्वाइन करिए, और जो क्वेश्चंस डेली पोस्ट हो रहे हैं वो उनको करिए, ठीक है। अब बात आती है कंप्यूटर की, क्योंकि हमने देखा कि जो लास्ट एग्जाम था जूनियर असिस्टेंट का, उसमें कंप्यूटर ऐड किया गया था, 15 मार्क्स का ही ऐड किया गया था, और जो क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत अप था, यानी कि लेवल काफी हाई था, ठीक। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक तो लूसेंट की बुक पढ़ें, ठीक है, 60-70 रुपए की आती है लूसेंट की बुक, और एक है परीक्षा मंथन, है परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की बुक आती है, हिंदी में है ये, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं। प्लस आपके पास इन दो में से एक कोई भी ले लो, ठीक है, प्लस आपके पास जो यूथ की बुक है, ठीक है, और 10,000 प्लस उसमें क्वेश्चन है, वो आप जरूर लें, ठीक है, मोटी सी किताब है और उसको जरूर करें। इन दो में से एक लेना है आपको और ये एक लेना है, क्योंकि इसमें PYQ है, और जो UPPCL के इसमें क्वेश्चन है, मतलब इसमें मोस्टली मैंने ये देखा जो जो टॉपिक मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लगभग 50% के आसपास मैंने क्वेश्चन जो है पोस्ट कर दिए, और जो सेपरेट जो चैनल है हमारा उसमें वो एक साइड में भी हो गए हैं, ठीक है। चैनल में तो ऐसा था कि जब मेन चैनल में पोस्ट होते थे तो पता लगा कंप्यूटर डाले, कंप्यूटर के बाद करंट अफेयर आ गया, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, फिर नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद फिर से कंप्यूटर डाले तो मिक्सअप हो गए थे, तो हो सकता है कि आपको ढूंढने में परेशानी हो। लेकिन जो हमारा जो प्राइवेट चैनल है स्पार्टन, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एक सेक्शन में, क्योंकि सेक्शन वाइज है, आपने देखा ही होगा स्पार्टन जो है वो सेक्शन वाइज है, इसमें कंप्यूटर के सेक्शन में सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। 50% लगभग मैंने क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर दिए हैं इसमें, अभी सॉफ्टवेयर वाला पार्ट जो है वो चल रहा है, ठीक है, सॉरी 50 नहीं, इसमें लगभग 2,000 क्वेश्चन मैंने पोस्ट कर दिए हैं, वो हिंदी का ध्यान रहा मुझे, तो 2,000 से ऊपर जो है वो क्वेश्चन इसमें पोस्ट हो गए हैं, सॉफ्टवेयर वाला अभी टॉपिक चल रहा है इसमें। तो स्पार्टन को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, स्पार्टन को ज्वाइन करने के लिए चैनल में आपको बता ही दिया गया है किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, तो आपको लूसेंट लेनी है या फिर परीक्षा मंथन में से एक कोई बुक ले लीजिए, दोनों में से, प्लस आपको यूथ लेना है, ठीक है, यूथ अगर आपके पास दिक्कत हो रही है तो आप स्पार्टन ज्वाइन कर सकते हैं, वहां यूथ के ही क्वेश्चन पोस्ट हो रहे हैं, ठीक है। देन आता है इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, ठीक है, तो ये टॉपिक भी स्पेसिफिकली लास्ट एग्जाम में हमने देखा जूनियर असिस्टेंट में, क्योंकि वीडियो में भी जो एग्जाम हुआ था 2018 का उत्तर प्रदेश थी, लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन इस बार अब क्या करा आयोग ने, फिक्स कर दिया कि भैया 20 क्वेश्चन तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन जो आए थे तो वो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन तक तो कर गए होंगे लड़के, लेकिन 10 के बाद उनके, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अलग ही था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि वो छोटे थे लेकिन हम उन पर इतना ध्यान नहीं देते, जैसे कि हाइट पूछी थी शायद किसी चीज़ की, लखनऊ में कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट पूछी थी, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता कोई। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, ठीक है, और एक यूथ की बुक आती है, अगर आपको लगता है कि परीक्षा वाणी से वही नहीं हो पाएगा भला मेरा, तो यूथ की बुक आती है जो PYQ है, यूथ ने बहुत ही अच्छा मतलब मार्केट पे कब्जा कर रखा है, PYQ तो सारे आपको यूथ ही प्रोवाइड करा रहा है, और अच्छे करा रहा है, कम पैसों में करा रहा है, तो यूथ की आप बुक ले सकते हैं जो UPGK की PYQ है, या फिर मैंने 1-2 PDF जो है वो डाली थी, आप उनको भी देख लीजिए, कुछ अच्छी PDF है उसमें, मैप से उन्होंने समझाया है
ठीक है, मैप से ही उसमें सब कुछ दर्शाया गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओवरऑल जो है वो 100 मार्क्स यहाँ पर हो चुके हैं, और 100 मार्क्स में मुझे ये लगता है कि इस बार जो है वो कट ऑफ जो है बहुत लो रहेगी। तो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए जितना हो सकता है, क्योंकि डेटा जो है वो 65 मार्क्स का बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा लोगों को। उसका डेटा आपको अभी भी एक जगह नहीं मिल पाएगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्स यूज़ करना पड़ेंगे तभी वो आपको मिल पाएगा। वो भी आप 100% नहीं कह सकते कि मैं कवर कर चुका हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है, सिलेबस ऐसा इस तरीके से चेंज आया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है यूपी जीके के या फिर कंप्यूटर के, ये बराबर पोस्ट हो रहे हैं, डेली पोस्ट हो रहे हैं। स्पार्टन में, स्पार्टन से थोड़े क्वेश्चन जो है मेन चैनल में भी मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो आप उनको प्रैक्टिस करते रहिए, यकीन मानिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जरूर वहां से। ठीक है, तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही शेयर भी कर दें। बाकी जो डिटेल में सिलेबस दे रखा है वो आप पीडीएफ में भी देख लिया होगा, मेन जो था वो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से क्या करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी क्वेरीज जो हैं आप कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं इसको बता देता हूँ कि किस तरीके से कहाँ से पढ़ना है। अभी फिलहाल हो सकता है कि 10-15 दिन में, एक अगले हफ्ते में कोई इसी के परिप्रेक्ष्य में, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बुक बना दी जाए सिलेबस से, जिसमें सभी एक साथ आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।